लगता था कि इस बार सरकार बन जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो मोदी जी को, जिस रूप में वो अपने आप को पेश करते हैं, अभिनेता के रूप में, अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं करता हूं फिर, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके, अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं सहानुभूति लेने के लिए, और प्लेन उतारे पानी के अंदर। उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो कह बोल रहे थे, हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जाके जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा, मैं खुद विकास हूं। तो मैं कहना पड़ा, अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात बोलें। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जिया उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जिया उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहां कहां बैठे हैं कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है, जो फासिस्ट ही है वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है, और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने वाला था देश के अंदर। चल रहे हैं यहाँ पे ड्रग बहुत चल रही है, आपके यहाँ पकड़ी जा रही है, कल परसों 2,000 करोड़ की या 2,500 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, पहली पकड़ी गई थी। तो क्या हो रहा है गांधी के प्रदेश के अंदर? हमें तो गर्व होता है गांधी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, पूरा दुनिया मना रही है अहिंसा दिवस को गांधी के नाम से, जो गांधी गुजरात के थे, हम सबको गर्व है। और उस महापुरुष के प्रदेश के अंदर शराबबंदी खाली कागजों में रह गई है, बिना सरकार की मिलीभगत के, अधिकारियों की मिलीभगत संभव नहीं है कि पूरी तरह शराबबंदी जहां नहीं है ना, उन प्रदेशों की तरह यहां शराब की बिक्री होती है। टेलीफोन करते शराब आराम से घर पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी होने लग गई है। जब मैंने आरोप लगाया तो आपके मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने मेरी आलोचना करी कि मैं बदनाम कर रहा हूं प्रदेश को। मैं बदनाम कर ही नहीं सकता गांधी के प्रदेश को, कैसे बदनाम कर सकता हूं मैं? और सही बात कहता हूं, आपको उसको एक्शन करना चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए, आप भी करें हम भी करें। मेरा मतलब ये था कि जो कहां से आती है, पड़ोसी राज्यों से आती है। पड़ोसी राज्य कौन सा? राजस्थान के अंदर आता है, उसके अंदर सब राज्य आते हैं जहां जहां आते हैं। तो आप अगर अपने बातचीत भी करें, पहल करें, गुजरात पहल करें, क्योंकि गुजरात तकलीफ आ रहा है शराबबंदी के बावजूद भी। पड़ोसी राज्य सरकार से बातचीत करें, हम लोगों ने बातचीत करें, हम सहयोग करेंगे कि हमारे यहां से शराब कोई कीमत पे नहीं जाए आपके। तो दोनों सरकारें मिल गई तो कर सकती है हर जगह पर, कोई इंटरेस्ट नहीं इनका। महंगाई बेरोजगारी इस देश के अंदर देखिए आप, धर्म के नाम पे राजनीति से आसान चीज कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। हिटलर भी और जो जो हुए थे आका ऐसे जिन्होंने बर्बाद कर दिया लोकतंत्र को, वहां पे भी धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई थी। जिस जिस देशों के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई, आखिर वहां पर क्या हुआ? लोकतंत्र कायम नहीं रहा वहां पर, आपको मालूम है। वो आप बताइए, यहां पर राजनीति धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हो रहा है खुल के,
मतलब दुस्साहस देखिए आप आरएसएस बीजेपी का दुस्साहस कहूंगा मैं इस दिन भी डेमोक्रेसी 75 साल से कायम है डेमोक्रेसी देश एक रहा अखंड रहा चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई तो मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री जी से गुजरात की धरती पर कि आप 27 साल से राज कर रहे हो यहां पर लोग दुखी हो गए आपके राज से पब्लिक दुखी है पर आप मैनेजमेंट करके साम दाम दंड भेजो कि आप देखिए जो क्या हो रहा देश के अंदर क्या सरकारें गोवा के अंदर मणिपुर में बड़े गर्व के साथ में सीना फुलाए चल रहे दिल्ली के अंदर कि आपके मणिपुर गोवा कर्नाटका फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र राजस्थान को उन्हें बचा लिया वरना मैं आपके सामने अभी नहीं बैठा होता मुख्यमंत्री रूप में मुख्यमंत्री कोई दूसरा ही होता है यहाँ पर आप सबके आशीर्वाद या शुभकामना से मैं बच गया हूँ वरना मैं यहाँ नहीं रहता मुख्यमंत्री के रूप में और ना मैं और बात कर सकता था तो ये जो है ये दुआएं थी प्रदेशवासियों की हमारे एमएलए ने देखो आप मेरे साथ में बैठे हुए थे एमएलए 34 दिन से बैठे बाहर जाओ होटल के बाहर पहली किस्त 10 करोड़ की थी वहां 10 करोड़ की पहली किस्त थी उसे छोड़ के बैठे रहे इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आपको बीएसपी के साथ जुड़े मुझसे 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया उनका आज तक 1 रुपया नहीं दिया ऐसा कभी होता है राज्यों में इंडिपेंडेंस साथ दिया हमारा एमएलए ने कोई हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया बेचारों को फिर भी 4.5 साढ़े 7 दे रहे हम लोग ये गुडविल होती है सरकार की उसके आधार पर राजस्थान सरकार चलती है यहां इतना नहीं है कि जीतने के बाद में आप तोड़ रहे हो कांग्रेस एमएलए को ये गुजरात का मॉडल गांधी का मॉडल होना चाहिए कि ये मॉडल कौन सा आ गया मोदी का मॉडल कौन सा आ गया कि जीत गए आप मेजोरिटी आपकी है सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है तब भी तोड़ करके आप चुनाव करवा रहे हो 17 महीने 12 में ऐसे ही किया इन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में ऐसे करते हैं चुनाव पोस्टपोन करवा देते हैं राज्यसभा के लोग अभी हॉस्टल में पूरी नहीं हुई हमारी हम कैसे पूछ सकते हैं मालूम है कि इनके साथ हमारे चुनाव पोस्टपोन हो गए थे राजस्थान के अंदर क्योंकि हॉस्टल पूरी नहीं हुई थी यहाँ पर सत्य सिंह के चुनाव पे वही तो कह रहा हूँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप और भरत भाई के चुनाव में वो हॉस्टल पूरी उस वक्त हुई नहीं थी उनकी वहां पे हमारे वेणुगोपाल जी थे तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर है और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के जो हालात है उसको लेके तो आपको हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच सके आने वाले वक्त के अंदर जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।